Hey guys, I'm Ravi and welcome back to Coding School. So guys, previous video we learned about how to set up XAMPP server, how to set up VS Code and write a first PHP program. So guys, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है. आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है, हाउ टू डिफाइन वेरिएबल, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, हाउ टू स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल. सो गाइज, वॉच टिल द एंड एंड सब्सक्राइब कोडिंग स्किल. लेट्स कोड इट गाइज. So guys, today's topic variable. So let's start. First of all, हम देखते हैं कि variable क्या होता है, means उसकी definition देखते हैं. The name of a memory location that holds the data. Means कोई एक location है, उसका जो name, means for example हमने variable लिया है name. तो ये जो name है एक location है और उसके अंदर एक data है, तो उसे variable कहते हैं. अरे कहना क्या चाहते हो? इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो वेरिएबल आ रहा कंटेनर, एक कंटेनर है जैसे एक डब्बा आता है ऐसे, फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन और डेटा और वैल्यू. जो वैल्यू डेटा या इंफॉर्मेशन होती है उसको एक स्टोर करता है. फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक डब्बा होगा जिसमें दालचीनी होगी, हल्दी होगी, मिर्ची होगी, तो वो जो डब्बा है उसका एक नाम होगा, बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा, तो एक वेरिएबल है. एंड स्टार्ट विथ डॉलर. वेरिएबल हम जब क्रिएट करते हैं, हम जब लिखते हैं, तब उसके आगे डॉलर लिखा जाता है. सो ऐसे वेरिएबल क्रिएट किया जाता है डॉलर साइन से. सो लेट्स कोड इट. सो गाइस, हियर वी हैव वीएस कोड. दिस इज फर्स्ट फाइल फॉर ट्यूटोरियल 1. अभी हम क्रिएट करेंगे सेकंड फाइल, php2.php. जैसे HTML में HTML स्टार्ट टैग होता है, ऐसे इसमें PHP में है. तो ये हमारा टैग हो गया, उसके बाद इसको सेव कर लेंगे. अब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. सही पकड़े हैं. इको कोडिंग स्किल्स ऐसा हमने प्रिंट करा था और जो वेबसाइट थी, मीन जो वेब पेज था, उसमें प्रिंट हुआ था. तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम XAMPP सर्वर में अपाचे और सीक्वल को ऑन करेंगे. सो दिस इज XAMPP. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अपाचे. सो लेट्स रन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लोकल होस्ट. पीएचपी ट्यूटोरियल. And then file name. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. You can see coding skill लिख के आ गया. So guys, अभी हम variable create करेंगे, तो इसको कहते हैं comment. उसके बाद आएगा dollar sign. जैसे हमने देखा था कि वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो डॉलर से स्टार्ट होता है. हम लिखेंगे नेम इक्वल कोडिंग स्किल्स. अभी हम इको करेंगे नेम को और देखिए देखें कोई प्रिंट क्या होता है. कोडिंग स्किल की जगह मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, रवि. So let's run it. So guys, you can see मेरा नाम लिख के आ गया. वेरिएबल क्रिएट होता है और स्टोर होता है. अभी हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे. भाई ने बोला करने का तो करने का. So guys, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कोडिंग स्किल और एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नेम टू इज इक्वल सब्सक्राइब. और हम दोनों वेरिएबल को सेंटेंस में प्रिंट करवा देंगे. उसके बाद आएगा डॉलर नेम टू
टू डॉलर नेम. सो लेट्स रन इट. सो गाइस रन करते हैं. यू कैन सी गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू कोडिंग स्किल लिख के आ गया. जो सब्सक्राइब है ए और कोडिंग स्किल, ये दोनों वेरिएबल की अंदर मैंने जो वैल्यू डाली थी ये. सो गाइस आज के लिए इतना ही. आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताया. आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.